दोस्तों आप सभी लोग खोज रहे हैं एक बेस्ट क्वालिटी का रूम हीटर, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इंडिया के टॉप 5 बिल्कुल बेस्ट सेलिंग टॉप रेटेड हाई क्वालिटी वाले रूम हीटर। और ये जो मैंने लिस्ट तैयार करी है बहुत ज्यादा समय लगा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ध्यान दिया उसके कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कितना ज्यादा वो हीटिंग प्रोवाइड करता है, ब्रांड वैल्यू कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, उसका हीटिंग एलिमेंट किस टाइप से, कितना बड़ा रूम को ठंडा कर सकता है, उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, कितना इजी टू यूज है, और उसके अंदर सेफ्टी के कितने सारे फीचर्स दिए हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने सोच समझ के आप सभी लोगों के लिए ये लिस्ट तैयार करें, ताकि आप सभी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिले। और इन सारे प्रोडक्ट्स की जो अमेजन एफिलिएट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली अमेजन से जाके इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं या तो उसके कस्टमर रिव्यूज को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं, क्योंकि जो ये रूम हीटर होते हैं बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, बेसिकली तीन टाइप के आपको मिल जाएंगे। एक होता है जो रेडिएंट हीटर, जिसके अंदर आपको जो क्वार्ट्स वाला मिलता है और हैलोजन वाला, इस तरह के जो हीटर होते हैं उसको कहते हैं रेडिएंट हीटर। और ये बेसिकली छोटे एरिया के होते हैं, मतलब ये सामने जो भी उनके सामने रहेगा सिर्फ उसी को ये हीट कर पाता है। उसके बाद आता है फैन हीटर, और इसमें क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है और पीछे से फैन आता है जो कि ब्लो करता है हवा, और ये बड़े से बड़े रूम को ये गर्माहट पहुंचाता है। उसके बाद थर्ड आता है जो कि सबसे बेस्ट होते हैं, वो होता है ऑयल हीटर। इसके अंदर ऑयल के थ्रू ये हीटिंग प्रोवाइड करता है, और ये तीनों ही मार्केट में आपको ये अलग अलग मिलेंगे। सो इन तीनों के टाइप के मैं यहाँ पे एक से एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। आपको मैं सारे डिटेल्स भी बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आप सभी लोग के लिए, आपके रूम के लिए, आपके फैमिली के लिए सबसे अच्छा रूम हीटर यहाँ पे कौन सा होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक डिटेल में बाइंग गाइड बताया कि किन किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, कैसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, किस तरह से आपको उसको ऑपरेट करना चाहिए, और क्या कुछ सेफ्टी के टिप्स भी मैंने यहाँ पे दिए जो कि आप सभी लोगों के लिए शायद काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, फिफ्थ नंबर का मैं आप सभी को रूम हीटर जो रेकमेंड करूंगा वो है बजाज का 1000 वॉट का फ्लैशी रेडिएंट रूम हीटर। ये एक छोटे से कमरे के लिए बहुत अच्छा हीटर है। इसकी कीमत बहुत कम है, 1000 वॉट की कैपेसिटी है, बहुत इजी तरीके से आप लोग उसको क्लीन कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 साल की वारंटी मिलता है। ये एक बहुत इंस्टेंट है, मतलब जैसे आपने प्लग स्टार्ट किया ये आपको तुरंत हीट प्रोवाइड करेगा, और जैसे यहाँ पे पावर कट ऑफ होगा तो आप ये तुरंत हीट को बंद कर देगा। और ये जो इसकी जो हीट होती है वो पूरे सारे कमरे में नहीं फैलती है, यही इसका एक डिसएडवांटेज है। और एक और इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि ये उतना ज़्यादा सेफ़ टू यूज़ भी नहीं, क्योंकि आप लोग देखिए इसका हीटिंग एलिमेंट पूरी तरह से ओपन है और बहुत ज़्यादा ये हीट देता है, तो अगर पेपर वगैरह कपड़ा इसके आसपास आ गया तो ये जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस तरह के रूम हीटर को यूज़ करते समय। जो फोर्थ नंबर का रूम हीटर है ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है, जो कि मॉर्फी रिचर का 2000 वॉट्स का पीटीसी हीटर ही आप लोग लीजिएगा। पीटीसी एक बहुत अच्छा मटेरियल होता है, इसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो कोई वायर से नहीं बनता, वो एक अलग ही मटेरियल से बनता है, जिसमें आपको बिजली की बचत बहुत अच्छी होती है और काफ़ी अच्छा आपको हीट प्रोवाइड करेगा, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू अगर नॉर्मली जो वायर वाला आप लोग रूम हीटिंग एलिमेंट का अगर रूम हीटर लेते हैं। इसकी मैं आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, और सेफ्टी इंडिकेटर भी मिलता है, और काफ़ी ईजी टू है और सेफ टू यूज है, स्पेशली क्योंकि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो अंदर है और ये पूरे कमरे में आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक फैन लगा होता है जो कि हीटिंग एलिमेंट पे हवा फेंकता है, जिसके कारण आप लोग पूरी तरह से ही आपके कमरे में गर्माहट मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा ये एक ब्रांड का है। जो थर्ड नंबर का मैं आप सभी लोग रेकमेंड करूँ वो है हैवेल्स का कैलिडो पीटीसी फैन हीटर, जिसके अंदर आपको 2 हीट सेटिंग मिलेगी, एक 1300 वॉट में आप लोग उसको चला सकते हैं या तो 2000 वॉट में आप लोग चला सकते हैं। इसका भी जो हीटिंग एलिमेंट वो पीटी सिरामिक एलिमेंट से बना, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बिजली की बचत के मामले में, और इसके अंदर ऑक्सीलेशन फैसिलिटी जैसे अपने कूलर वगैरह में होता है ना, वो पूरी तरह से हवा पूरे आपके एरिया में फैलाएगा। 1 साल की वारंटी मिलती है, और इसके अंदर भी टेम्परेचर नॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टेम्परेचर वगैरह को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक सेफ्टी के लिए यहाँ पर रेड LED भी दिया है, ताकि आपको पता चले कि ये ऑन है या ऑफ है, और डिज़ाइन भी देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। उसके जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। अगर आप अपने कमरे के लिए लेना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली ये हैवेल्स का काफ़ी अच्छे ब्रांड का है, और ये लगभग सारे के सारे पावर सॉकेट्स में आपका काम करेगा, और बहुत प्रीमियम ये प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा ब्रांड का ये प्रोडक्ट है।
जो सेकंड नंबर का रूम हीटर है ये भी एक बहुत अच्छे ब्रांड का, जिसका नाम है उषा का फैन हीटर। ये 1500 वाट का है, पावर है। उसका लुक देखिए, सबसे ज़्यादा इसका लुक बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और ये 150 स्क्वायर फीट एरिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर भी आपको एक साल की यहाँ पे वारंटी मिल जाती है। उसका जो लुक ऐसा लगता है ये पुराने स्टाइल का जो रेडियो होता था, तो घर में भी रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये भी एक फ़ैन हीटर है, तो आपके सारे कमरे में ये हीट प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी के बारे में यहाँ पे 2 ओवर प्रोटेक्ट भी आपको दिया है, मतलब अगर आप उसको टच भी करेंगे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अंदर इंस्टेंट हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, 2 हीटिंग एलिमेंट है, कोई एक नहीं लगा, यहाँ पे 2-2 लगा है। और जिसको ऊपर का मटेरियल ये पूरा तरह से ABS मटेरियल जो कि फायर प्रूफ है, तो आग लगने के चांसेस भी यहाँ पे नहीं है। और काफ़ी पोर्टेबल है और काफ़ी ईजी टू कैरी है। इसके अंदर भी आप लोग टेम्परेचर वगैरह अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जब इसका कस्टमर रिव्यूज मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका साइलेंट ऑपरेशन, मतलब आपको ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा, जो मोटर का साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसके अंदर 3 ऑपरेटिंग मोड्स भी आपको मिल जाएंगे ताकि आपकी जो पावर कटिंग है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो पाए। जो फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट है ये एक ओवरऑल प्रोडक्ट है, हालांकि सबसे महंगा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है हैवेल्स का 2009 11 फिन PTC फैन हीटर। ये एक ऑयल बेस्ड हीटर है, इसके अंदर कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं है। यहाँ इसके अंदर एक तेल भरा होता है, ऑयल भरा होता है, जो कि ऑयल हीट होता है, तो आपको पूरे कमरे में ये हीट प्रोवाइड करता है। बहुत सेफ टू यूज़ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत कम खराब होता है। और प्रोडक्शन के मामले में इसमें बहुत सारे टाइप के आपको प्रोडक्शन मिलते हैं, एक साल की वारंटी मिलती है। और आप लोग अगर आप लोग सोच रहे हैं ना लेने का, तो आप लोग डेफिनेटली एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है और इसकी जो पावर कट होने के बावजूद ये आपके घर में काफ़ी देर तक ये गर्माहट को देगा, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है और ऑयल एक बार गर्म होता है तो काफ़ी टाइम, काफ़ी समय लगाता है उसको ठंडा होने में, और उस ऑयल की मदद से आपका कमरा हमेशा यहाँ पे गर्म रहेगा। और ये बहुत सेफ़ टू यूज़ है, एक बार का प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो सालों साल चलने वाला है, बहुत अमेजिंग। इसके भी कस्टमर रिव्यूज़ हैं, आप लोग देखिएगा। इस तरह का रूम हीटर थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, और प्रोडक्शन के मामले में, सेफ्टी के मामले, हर किसी के मामले में ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सभी लोगों ने ये टॉप 5 बेस्ट रूम हीटर देखा, कितने सारे अच्छे टाइप्स के आते हैं। और यहाँ पे मैंने जितने भी ये प्रोडक्ट्स दिखाए ना, काफी अच्छे ब्रांड्स के हैं, काफी ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। और ये रूम हीटर जितने भी हैं बहुत एक अच्छे तरीके के आते हैं। मैंने सारे आपको प्राइसिंग बताया, क्या क्या फीचर्स में आता है। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग खोज रहे रूम हीटर, तो सबसे पहले आप अपने रूम का साइज देखे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रूम हीटर्स होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप के आते हैं, रेडिएंट होता है, कन्वेक्शन होता है और एक ऑयल बेस्ड होता है। सो रेडिएंट होता है जो रेडिएंट रूम हीटर होता है, वो बेसिकली एक छोटे से एरिया के लिए है, मतलब एक छोटा सा रूम हो, एक या 2 लोग मैक्सिमम अगर आप सोते हैं, वो भी आपको हीटर के काफी करीब सोना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्रॉपरली हीट पहुंचाता है, क्योंकि ये हीट को स्प्रेड नहीं करता है, जो भी इसके पास रहेगा उसी को ये हीट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसको कहते हैं रेडिएंट, क्योंकि ये रेडिएट करता है, उसके अंदर हीटिंग जो एलिमेंट होता है वो गर्म होता है और रिफ्लेक्शन के थ्रू ये पूरा आप सभी को हीट प्रोवाइड करता है। और अगर आपका बजट सबसे कम है और काफी आपका जो घर है वो स्मॉल है और आपको सेफ्टी से ध्यान रखते हुए अगर आपको चाहिए, तो आप लोग ये रेडिएंट वाला रूम हीटर ले सकते हैं, जो कि आप अपने बेड के पास रख सकते हैं। पर हालांकि यहाँ पे एक चीज आपको पॉइंट ध्यान देने वाली है कि ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, तो आपको थोड़ा सेफ्टी से इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उसको बिल्कुल आपको अच्छे से ऐसे लोकेशन में रखना पड़ेगा जहां पे वो टच नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट डायरेक्टली आपको सामने देता है और इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि कुछ कपड़ा वगैरह भी अगर आपके आसपास होगा तो उसमें जलने का बहुत ज्यादा चांस होता है। लेकिन बहुत सस्ते में आते हैं, काफी साइलेंटली वर्क करते हैं और काफी अच्छे से आपको हीट भी प्रोवाइड करते हैं। ये इसका कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जो फैन हीटर होता है, रूम फैन हीटर। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया, इसके अंदर भी आपको एक छोटा सा हीटिंग एलिमेंट लगा था और उसके पीछे फैन लगा रहता है, तो जब हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तो फैन के थ्रू ये एयर को पूरी तरह से ब्लो करता है, जो कि सारे के सारे कमरे में ये धीरे धीरे फैल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। और इसका एक अच्छी बात ये भी है कि इसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो आपके रूम हीटर के जो डिवाइस है उसके अंदर रहता है, तो आप लोग डायरेक्टली टच भी करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ गर्म यहाँ पे महसूस नहीं होगा। तो इस सेफ्टी के मामले में ना बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको ये हीटिंग एलिमेंट आपको नहीं इस्तेमाल करना, तो आप इसको एज अ फैन के तरह से भी यूज कर सकते हैं। आप हीटिंग एलिमेंट को बंद कर दीजिए, आप लोग डायरेक्टली एज अ फैन भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 2-in-1 होता है और बहुत अच्छा जाता है। और मतलब हालांकि इंडियन मार्केट में अगर आप लोग देखेंगे तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि एक फैन ब्लोअर होने से क्या होता है कि आपको प्रॉपरली हर जगह से यहाँ पे आपको हवा कोने कोने तक हवा आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और काफी पोर्टेबल भी होता है, उसको कहीं भी रखे कहीं भी रख सकते हैं। और डायरेक्टली आप लोग जैसे कूलर का इस्तेमाल क्या होता है ठंडा हवा लेने के लिए, उस तरह से ये
इस तरह का जो फैन बेस हीटर होता है ये आपको गर्मी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है आपको ऑयल बेस्ड रूम हीटर, जिसके अंदर उसके जो फिन्स होते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये फिन्स है इसके अंदर यहाँ पे ऑयल भरा रहता है, और ये जब ऑयल गर्म होता है तब जाके ये आपके जितने भी एरिया है उसको प्रॉपरली तरीके से हीट करता है। इसका बहुत एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी ये है कि ये बहुत जल्दी आपको हीट प्रोवाइड नहीं करेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है इसको ऑयल को गर्म होने में, और जब तक ये ऑयल गर्म होगा उसके बाद ये कंटिन्यूसली आपको रूम में आपको अच्छा खासा टेम्परेचर ये देते रहेगा। और एक और अच्छी बात है, अगर आपके इनकेस पावर कट भी हो जाता है तो इसका एक्चुअली ऑयल गर्म रहता है, तो उस गर्माहट के चलते आपका रूम बहुत समय तक रूम गर्म रहता है, मतलब विदाउट बिजली भी एक काफी समय तक आपको रूम में गर्मी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल है ऑयल को ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है, ये इसका सबसे मोस्ट एडवांटेज वाला पार्ट है, और बहुत साइलेंटली वर्क करता है, काफी इजी टू यूज है। और ये जो आपके रूम के अंदर जो ऑक्सीजन है, ह्यूमिडिटी है, उसको भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर बर्न जो हो रहा है वो हो रहा है ऑयल। अगर आप कंपेयर करेंगे फैन हीटर और जो रेडिएंट वाला हीटर, उसके अंदर जो गर्माहट आ रही है वो ऑक्सीजन को बर्न करके आ रही है, तो अगर आप अपने रूम में रखते हैं तो आपको थोड़ी बहुत आपको सफोकेशन जैसे महसूस, खुजली होगा, देखिएगा आपको इस तरह का थोड़ा सा ना पर हाथ पैर सूख जाता है, क्योंकि क्या होता है वो ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन लेवल पूरा खींच लेता है, इस चलते वो प्रॉपरली आपको हीट देता है। इसलिए कहते हैं एक थोड़ा सा आपको ना विंडो कहीं पे ओपन करके रखना चाहिए, ताकि आपको एक एयर फ्लो प्रॉपरली यहाँ पे अंदर बाहर होते रहे। तो इन इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं आप उस अगर आप लोग सोच रहे हैं यार एक अच्छा वाला ले लूँ, तो मैं आपसे भी बोलूंगा एक फैन ब्लोअर ले लीजिए, या तो आप लोग एक ऑयल बेस्ड रूम हीटर ले लीजिए। हालांकि मैं रेकमेंड तो करूंगा आपको एक ऑयल बेस्ड रूम हीटर, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है तो आप लोग प्लीज फैन ब्लोअर वाला हीटर लीजिए। वो रेडिएंट वाला आपको उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, लेकिन फिर भी सबका बजट अलग अलग होता है, अगर आपको पसंद है तो वो ही लीजिएगा, लेकिन इसको सेफ्टी से आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो डेंजरस होता है। तो दोस्तों ये था एक आप सभी लोग के लिए छोटा सा डिटेल बाइंग गाइड। अगर आप सभी को इससे रिलेटेड और भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आप सभी का वहां पर रिप्लाई करूंगा। और ये जो लिस्ट है ये आप लोग देख लीजिएगा, इन पांचों प्रोडक्ट का जो अमेजन एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता तो आप लोग डायरेक्टली अमेजन जाकर परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर ये वीडियो की ये जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में आप सभी को इसी तरह के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट के एक डिटेल में रिव्यू देता हूं और डिटेल में बाइंग गाइड आप सभी को बताता हूं। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।